वर एट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. आपने यश अटेंड कर लिया लेक्चर वो? ओ भाई साहब, कुछ समझ में नहीं आने वाला है तेरे को, बहुत प्रॉब्लम होगी बेटा. चलिए देखिए, हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे थे और बाइनोमियल के बारे में मैं बता चुका था, राइट? याद है ना आपको? हाँ. अब देखिए प्लीज ध्यान से, एक बाइनोमियल एक्सपेंशन मैंने कभी बताया होगा a प्लस बी टू द पावर n ऐसे करके, और मैंने कहा होगा समेशन वेरी करता है x कहां तक, 0 से n, n c x a टू द पावर n माइनस x b टू द पावर x, राइट? मैम दूसरी चेयर मंगवा दो बच्चे के लिए ना, लिखे कैसे वो पीछे से चेयर दूसरी दिलवा दो उसको, उसको बोला था 5-6 निकाल देगा, 4-5. ये एक्सपेंशन बता चुका हूँ कि नहीं बता चुका हूँ? बताया था ना, बाइनोमियल एक्सपेंशन बोलते हैं इसको, याद है आपको? तो हम पहले सक्सेस काउंट करते हैं कि फेलियर? सक्सेस. तो किसकी पावर एक्स है यहां पर, ए की पावर एक्स है कि बी की पावर एक्स है? तो बी को रिप्लेस कर दो पी से, बी को रिप्लेस कर दो किससे, और ए को क्यू से. करो जरा पूरे फॉर्मूले में, इसमें एक्स कहां से करता है, 0 से एन, एन सी एक्स. अरे ऐसी करो ना, इधर बताओ सक्सेस प्लस फेलियर, सक्सेस प्लस फेलियर टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? तो बताओ क्या इस फंक्शन की अंडर द रेंज ऑफ एक्स टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है? तो क्या मैं इसको पीएमएफ बोल सकता हूं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन? सो विच इज एन सी एक्स पी टू द पावर एक्स एन क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स, एक्स जीरो वन टू डैश डैश वॉट एन. अरे आगे समझ में ये? तो क्या यही फंक्शन बताया था मैंने कल आपको? अरे बाइनोमियल का फंक्शन ये लिखा था ना कल, कैसे बना समझ में आ गया? ये बाइनोमियल एक्सपेंशन से बना है बेटा. और इसका मीन क्या था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, मीन क्या था बेटा? एनपी. वेरियंस क्या था? एनपी, राइट. ये इकलौता डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन बड़ा या बराबर है उसके किससे, ये बात याद रखनी है आपको. इस डिस्ट्रीब्यूशन का पीछे, बेटे पीछे से नहीं आ सकते थे क्या रिंकू? अच्छा तो पहले से करते, 4-5 ये लगाया था पहले से. चल कोई नहीं, अब तो चन्नी थी आना बस, एक और यहाँ बैठ जाएगा ना, पर कहीं और बैठेगा फिर वो. चल देखो, तो मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू द वेरियंस, ये इकलौता डिस्ट्रीब्यूशन है. फिर मैंने बात की थी एमजीएफ की बेटा, एमजीएफ क्या होता है फॉर्मूला, क्यू प्लस पी ई टू द पावर टी होल टू द पावर व्हाट, ये एमजीएफ हो गया आपका, ठीक है? तो वही सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, बस कैसे बनाया है ये बता दिया मैंने आपको विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन. और कोई भी पीएमएफ होता तो उसकी रोटेबिलिटी क्या होती है, 1. देखो आप, मैं करके बताता हूं बेटा. वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, वेरिएंस क्या होता है बताओ इसका, एन पी क्यू होता है ना बेटा, और क्यू किसके बराबर है बेटा, तो इसको क्या एन पी माइनस एन पी स्क्वायर कर दूं, एन पी क्या होता है बेटा, है ना? तो वेरिएंस किसके बराबर है, मीन में से क्या माइनस कर रहे हैं आप, अगर माइनस नहीं करेंगे तो, माइनस नहीं करेंगे तो, अरे देखो ना माइनस कर रहे हैं ना हम इसमें से, तो माइनस नहीं करेंगे तो मीन बड़ा होगा ना बेटा, वो बोलो ना. अरे बेटा ये 500 रुपए हैं, ये 700 रुपए हैं, माइनस 200 रुपए, 200 मत माइनस करो, तो 700 बड़े होने 500 से, जैसे रुपए की बात करो समझ में आता फटक. अरे है ना, तो मीन हमेशा बड़ा बराबर होगा किसके, वेरियंस से. कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो, बाइनोमियल या बर्नौली भी होता है, क्योंकि बर्नौली से ही बाइनोमियल बनाया ना बेटा. आपका नाम फिर वन क्या, विनेश नहीं, मोहित, मोहित सियोन आरिका, आपका फिर से बताओ.
अमन नमन कृष्ण नमन कृष्ण याद हो जाए मोहित। अच्छा आज पहले बैच में बच्चे सर आपने नाम याद कर लिया फंस गए हैं अब हम अब आप हमसे ही पूछोगे पता है। अभी बाइनोमियल में और भी कुछ बाकी है वो मैं बता रहा हूँ मैं आपको भी ठीक है। हाँ जी आर्या शिंदे जी आप भी आ गए हैं आज तो वीडियो मोड में आज लग रहा है क्लास हो रही है बढ़िया वेरी गुड आर्या गुड मॉर्निंग। चलो देखो अब आओ मेरे साथ इधर। हमने लास्ट क्लास में क्या किया था बेटा हमने कहा था सम ऑफ बर्नौली इज बाइनोमियल कहा था क्यों कहा था क्योंकि हर बंदा अब देखो सुनो एक कंपनी हम अपने एक्चुअली का एग्जांपल लेते हैं एक कंपनी है एक पोर्टफोलियो है कार इंश्योरेंस का कौन सा इंश्योरेंस का उसमें एन पॉलिसीज हैं उनमें कितनी पॉलिसीज हैं तो या तो कोई क्लेम करेगा या क्लेम नहीं करेगा तो कोई भी इंडिविजुअल क्लेम करेगा नहीं करेगा वो इंडिपेंडेंट होगा ऐसा तो नहीं है कि आरिका ने क्लेम किया तो मोहित भी करेगा ऐसा तो नहीं होता ना इंडिपेंडेंटली करेंगे सब तो हर बंदा या तो क्लेम करेगा या क्लेम नहीं करेगा राइट है बेटा तो हर बंदे का ट्रायल कैसा है बर्नौली ट्रायल है कि नहीं है क्योंकि दो पॉसिबल आउटकम है सक्सेस और फेलियर यही बात हुई थी हमारी और वो पोर्टफोलियो कितनी पॉलिसीज का है एन तो हर इंडिविजुअल का डिस्ट्रीब्यूशन तो बर्नौली है पर पूरे पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है बाइनोमियल अरे है कि नहीं तो ये तो हमारी कल बर्नौली टू बाइनोमियल बात हो गई थी ठीक है मैंने आपको बता भी दिया था बूंद बूंद से घड़ा भरता है मतलब हर बूंद बर्नौली है स्टूडेंट स्टूडेंट से क्लास बनती है एक एक स्टूडेंट से क्लास है ना तो एक एक स्टूडेंट इज बर्नौली और पूरी क्लास इज बाइनोमियल ओके आज कुछ और बता रहा हूं सम ऑफ बाइनोमियल इज बाइनोमियल स्टूडेंट्स बाइनोमियल सम ऑफ बाइनोमियल सम ऑफ बाइनोमियल सुनना मेरी बात इज बाइनोमियल कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होते हैं मोहित कि जैसे हमारे क्या होता है शादी करके लड़की घर चेंज करती है ये रिवाज है हमारे इंडिया में तो दूसरी फैमिली में चले जाते हैं तो बताओ बर्नौली अपनी फैमिली चेंज छेड़ के कहाँ गया बाइनोमियल फैमिली चेंज कर ली ना उसने लेकिन लड़के अपनी फैमिली में रहते हैं बाइनोमियल सम ऑफ बाइनोमियल विल रिमेन व्हाट तो बाइनोमियल अपनी फैमिली चेंज नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा समझाता हूं जैसे सुनो सुनो इधर 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 मोहित सुबह उठा उसने 5 बार कॉइन टॉस किया 5 बार मोहित ने प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हाफ थी करेक्ट है मोहित ये सुबह का डिस्ट्रीब्यूशन है मोहित का मतलब 5 बार कॉइन टॉस किया ठीक है दोपहर को उसको लगा चलिए फिर कॉइन टॉस करता हूं उसने 10 बार कॉइन टॉस किया प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड तब भी क्या थी शाम को उसने बोला चल खेलने जा रहा हूं उससे पहले फिर टॉस कर लेता हूं 5 बार तो हर बार जो टॉसेस किए वो इंडिपेंडेंट है ना बेटा सुबह दोपहर शाम है कि नहीं बताओ तो मुझे बताओ पूरे दिन का ये पूरे दिन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा X1 + X2 + what तो वो कितनी बार टॉस किया पूरे दिन में उसने यस ये बाइनोमियल था इनका सम भी क्या है बाइनोमियल ही है अरे है कि नहीं तो सम ऑफ बाइनोमियल इज बाइनोमियल का ये तो एप्लीकेशन दिया था अगर आपसे एग्जामिनर बोले x फॉलो करता है बाइनोमियल np और y फॉलो करता है बाइनोमियल mp और x और y दोनों कैसे हैं बेटा तो x प्लस y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा मोहित बाइनोमियल क्या अरे यही होगा ना बेटा तो लिख लीजिए प्लीज तो बाइनोमियल अपनी फैमिली चेंज नहीं करता है इधर बैठ जा इधर बैठ जा यहीं पे इसी चेयर पे आराम से टेबल पे लिख लेना बैठ के
हो गया, तुम ये चिंता छोड़ दो, एक पेज छोड़ के आगे बढ़ो तुम, क्योंकि पिछले की चिंता करोगे तो आगे का समय नहीं आएगा। आगे, सो नेम अ डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन इज ग्रेटर देन वेरियंस बायनोमियल। नेम अ डिस्ट्रीब्यूशन विच हैज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड टू पॉसिबल आउटकम सक्सेस एंड फेलियर एंड द रैंडम वेरिएबल इज सक्सेस बायनोमियल। एन फिक्स्ड ट्रायल्स कैसी होती हैं? फिक्स्ड। हाँ, सक्सेस क्या है वहां पर? रैंडम वेरिएबल। और कितने आउटकम्स है पॉसिबल आउटकम्स? दो। तो वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा? बायनोमियल। अगर ट्रायल सिर्फ एक ही है तो बर्नौली और ट्रायल है ना। नेक्स्ट प्लीज, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। नाम में लिखा है जहरीली प्रक्रिया, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। लिखो अंग्रेजी में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है, पहले मैं बता दूं हिंदी में, समझा दूं ताकि आप जब लिखो तो आप उसको फील कर पाओ। मैंने कहा था डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या करते हैं? अराइवल पैटर्न डिस्कस करते हैं। कौन सा पैटर्न? जैसे कि मैं बात करता हूं किसी एक की, मोहित आज क्लास में आएगा नहीं आएगा, तो मोहित की बात कर रहा हूं तो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, अरे है कि नहीं। और आउट ऑफ सिक्स स्टूडेंट्स कितने आएंगे आज क्लास में, आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स कितने आएंगे, तो 10 में से कितने आएंगे इज अगेन विच डिस्ट्रीब्यूशन इज बायनोमियल, है ना। अब एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने क्लास में आएंगे, कितने एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंटरिंग इनटू द क्लास पर डे, पर लगाया ना मैंने वर्ड, पर डे, पर मिनट, पर आर, पर ईयर, पर आ रहा ना हर बार। तो ये क्वेश्चन चिक चिक के कह रहा है कि मैं पॉइजन से सॉल्व होऊंगा। इसमें दो बातें आ गई, एवरेज नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन दिल्ली पर डे, एक तो वर्ड एवरेज आ गया और एक क्या आ गया वर्ड, पर यूनिट ऑफ लेंथ, पर यूनिट ऑफ, पर वर्ड आता है इसका मतलब कोई फिक्स्ड लेंथ की बात कर रहे हो। एवरेज नंबर ऑफ फ्लावर्स पर स्क्वायर फीट, एवरेज नंबर ऑफ फ्लावर्स पर आ गया ना वर्ड यहां पर, देखो है कि नहीं। और हम बात करते हैं अराइवल पैटर्न, तो हम क्या एक्चुअली क्या देखते होंगे, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, नंबर ऑफ क्लेम्स, यही बात करते हो ना। एवरेज नंबर ऑफ क्लेम्स पर डे इज 2, ऐसे बात कर सकते हैं कि नहीं। तो ये प्रॉब्लम किस तरफ सिग्निफाई करती है? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी अराइवल पैटर्न डिस्कस करता है। कैसा अराइवल पैटर्न? एवरेज अराइवल पैटर्न, जिसमें फिक्स्ड लेंथ होगी। फिक्स्ड लेंथ का मतलब पर डे, पर ईयर, पर मंथ। आप अपने स्कूल की फीस भरते हैं पर मंथ भरते हैं ना, अरे बोलो, तो पर मंथ हो गया डिस्क्रीट। लेकिन आपके पापा ने एक ऑप्शन डाल ली कि मैं पूरे महीने में कभी फीस दे सकता हूं, तो वो कॉन्टिन्यूस हो गया ना, वो डिस्क्रीट नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप अपने घर का या कार का इंश्योरेंस कराते हैं पर ईयर, अरे पर ईयर इंश्योरेंस कराते हैं ना आप, तो विच इज डिस्क्रीट ना। तो जब भी इस तरह से बात करते हैं पर डे, पर मंथ, पर ईयर, तो वो क्या होता है बेटा? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का कौन सा प्रॉब्लम होता है? वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लिखो अंग्रेजी में, मैं लिखवाता हूं। काउंट द नंबर ऑफ अकरेंसेस, count the number of occurrences of an event, count the number of occurrences of an event during a fixed interval, during a fixed interval, during a fixed interval. Example likhiye niche, number of accidents in Delhi in a year, number of accidents in Delhi in a year. Number two example, number of flowers in 1 square feet, number of flowers in 1 square feet. Example three, number of calls per minute, number of calls per minute. तो क्या ये समझ में आ रहा है जो मैंने अंग्रेजी लिखवाई थी, उसके एग्जाम्पल दिए थे जो? नंबर ऑफ अकरेंस इन अ फिक्स्ड इंटरवल, इन अ फिक्स्ड इंटरवल। जैसे कि मैं बात करूं, आरिका ट्रिप पे निकल गई 4 दिन के ट्रिप पे, ध्यान से सुनना मेरी बातों को प्लीज,
आरिका 4 दिन के ट्रिप पे निकल गई। पहला दिन तो उसने क्या किया 4 दिन के ट्रिप पे भाई, उसने सेल्फीज लेनी शुरू कर दी। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन और चौथा दिन, 4 दिन का उसका ट्रिप था। पहले दिन उसने ऑन एन एवरेज 2 पर डे 2 सेल्फीज ली। कितने लिए? 2 सिर्फ पहले दिन। उसको दूसरे दिन लगा, यार मैंने इतने सारे ड्रेसेस लेके आई हूँ, इतना पैकिंग किया, थोड़ा ज्यादा सेल्फी। सो नेक्स्ट डे कितनी ली बेटा? 10। अगले दिन उसने फिर से ली 8, और चौथे दिन फिर से उसने ली से 10। तो हर रोज जो एवरेज नंबर ऑफ सेल्फीज ली आरिका ने, वो कौन से डिस्टर्ब फॉलो करती है? पॉइजन। अरे सेल्फी लेते ना हम लोग पर डे। सो फॉर से फॉर मंडे, से दिस इज मंडे, मंडे को वो ट्रिप पे गई। मंडे, दिस इज ट्यूसडे, दिस इज वेनसडे, दिस इज थर्सडे, राइट? क्या मंडे की सेल्फी से ट्यूसडे की सेल्फी को लेना है? नहीं, दे आर इंडिपेंडेंट। दे आर क्यों इंडिपेंडेंट है? क्यों इंडिपेंडेंट है? क्योंकि ये डिसजॉइंट इंटरवल्स हैं। कैसे इंटरवल्स हैं? अरे भाई मंडे खत्म, अगला दिन कौन से शुरू हो गया? तो ट्यूसडे की सेल्फीज काउंट होंगी ना? अरे बोलो भाई। तो बताओ पूरे ट्रिप का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? पूरे ट्रिप का डिस्ट्रीब्यूशन, तो पूरे ट्रिप में कितने दिन थे? 4 दिन। कितनी सेल्फीज ली पूरे ट्रिप पे? 28 से 30। तो सम ऑफ पॉइजन इज, सम ऑफ पॉइजन इज पॉइजन। अरे पॉइजन ही रहा ना डिस्ट्रीब्यूशन तो भाई। हर दिन जो सेल्फी ले रही थी वो भी पॉइजन था, और पूरे ट्रिप का डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या है? अरे तो सम ऑफ पॉइजन पॉइजन हुआ ना, तो पॉइजन अपनी फैमिली चेंज नहीं करता है, पॉइजन अपनी फैमिली में ही रहता है। जैसे देखो मोहित गया फुटबॉल मैच देखने, फुटबॉल मैच, ठीक है? मोहित मोहित गया फुटबॉल मैच देखने। ये मैच था यहां पर, ये फर्स्ट हाफ, ये क्या है? फर्स्ट हाफ। ये सेकेंड हाफ, राइट? हां जी बेटा। सो नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड इन फर्स्ट हाफ विद पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद एवरेज 2। अरे फर्स्ट हाफ में नंबर ऑफ गोल कितने स्कोर हुए? एवरेज। इन द सेकेंड हाफ जो एवरेज आ रहा है वो 1 का आ रहा है, राइट? तो पूरे मैच का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? पॉइजन 3 ना? क्या बताओ फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ डिसजॉइंट इंटरवल्स हैं कि नहीं है, बताओ? यस। उनका आपस में कोई लेना देना? डिसजॉइंट इंटरवल्स आर ऑलवेज इंडिपेंडेंट। अगर कोई भी इंटरवल्स डिसजॉइंट हैं तो वो हमेशा कैसे होंगे बेटा? इंडिपेंडेंट होंगे। पहले मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ओके। तो कहने का मतलब सम ऑफ पॉइजन क्या होता है? सम ऑफ पॉइजन इज व्हाट? पॉइजन अपनी फैमिली चेंज नहीं करता है, करेक्ट है? अब आ जाओ बोर्ड पे वापस। तो कैसी प्रॉब्लम्स के लिए मैंने पॉइजन बोला है? जिन प्रॉब्लम्स में क्या वर्ड आ जाए, एवरेज या पर आ जाए, वो प्रॉब्लम चिक चिक के क्या कह रही है? पॉइजन लगा दो जी। अब बोर्ड पे सारे बच्चे इधर लिखना है सबको। तो हम ऐसे लिखते हैं बेटा आरिका, इधर एक्स फॉलोज पॉइजन विद पैरामीटर व्हाट? लैम्डा। और ये बेटा जो लैम्डा है ना, इस लैम्डा को बोलते हैं एवरेज अराइवल पैटर्न। एवरेज कौन सा पैटर्न? तो डिस्क्रीट में अराइवल पैटर्न ही होता ना बेटा। अरे एवरेज नंबर ऑफ कॉल्स कमिंग टू फोन, तो लैम्डा क्या होता है यहां पर? एवरेज अराइवल पैटर्न। एक्स क्या बात कर रहा है? नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, नंबर ऑफ कॉल्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंटरिंग टू द क्लास, ठीक? व्हाट इज द पीएमएफ? व्हाट इज द पीएमएफ ऑफ दिस फंक्शन? मैं अभी ड्राइव भी करके बताऊंगा, पहले लिख देता हूं। ई की पार माइनस लैम्डा, लैम्डा की पार एक्स अपॉन, ये इसका पीएमएफ होता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक? इसका मीन क्या होता है? लैम्डा। इसका वेरिएंस क्या होता है? लैम्डा। मतलब दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन इज सेम एज व्हाट? वेरिएंस। अरे ठीक है, इसका एमएक्सटी क्या होता है? ई की पावर लैम्डा ई टू द पावर टी माइनस वन, दिस इज द एमजीएफ ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। और लैम्डा क्या होता है यहां पर? ये एवरेज। अरे एवरेज ही है ना मीन। तो एक बार बताओ,
मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। बच्चे गलती करते हैं, पता नहीं होता, आधे गधे होते हैं। बताओ, मैंने सिखाया था रैंडम वेरिएबल में, मीन की रेंज क्या होती है? व्हाट इज द रेंज ऑफ मीन? माइनस इनफिनिटी से। लेकिन यहां पर जो लैम्डा है, इसकी रेंज नेगेटिव नहीं होगी। क्या होगी इसकी रेंज? और लैम्डा मीन भी है कि नहीं? सर ऐसा क्यों? क्योंकि हम एक्चुअरीज की बात कर रहे हैं। एक्चुअरीज में क्या आते हैं? एवरेज नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स आते हैं ना, तो क्या एक्सीडेंट्स नेगेटिव आ सकते हैं? एवरेज नंबर ऑफ कॉल तुम्हारे फोन पे आएगी तो नेगेटिव आएगी कभी भी? ये तो कॉल आएगी नहीं, या एक दो तीन चार आएंगी। एवरेज नंबर ऑफ डेथ्स, क्या वहां पे जिंदा होते हैं मरे लोग? तो नेगेटिव में कभी भी। तो जैसी प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करते हैं, वो प्रॉब्लम्स में लैम्डा कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। जैसे कि क्या है लैम्डा? एवरेज नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, एवरेज नंबर ऑफ क्लेम्स, एवरेज नंबर ऑफ स्कोर, क्रिकेट का स्कोर कुछ भी बना लो, अरे है कि नहीं? एवरेज नंबर ऑफ डेथ्स, वो कभी भी नेगेटिव। इसलिए रेंज क्या होती है इसकी? जबकि मीन की रेंज तो क्या होती थी? यहां माइनस में नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? बात समझ में आ गई? उतारिए पहले ये बात सारी। प्रॉफिट और लॉस हमारे यहां पर एक्चुअरीज के अंदर क्या होता है? प्रॉफिट लॉस होता है, लॉस हमारे यहां होता है जो एक्सीडेंट होने के बाद होता है। तुम जो प्रॉफिट लॉस बात कर रहे हो, अकाउंट्स के बच्चे हो तुम, जो खर्चे कर दिए और प्रॉफिट लॉस माइनस में आ सकता है, वो नहीं बात कर रहे हम। वो तो कुछ भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूस है, वो डिस्क्रीट नहीं है वो, क्योंकि वो डेसिमल में भी आ सकता है। अरे 1.3 डेथ थोड़ी होंगी एवरेज। अरे साक्षी जी, म्यूट कर लो बेटा। हो गया? ये था पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आपका। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है बेटा, क्या बात करता है, समझ में आ गए सबको? या तो क्वेश्चन में लिखा होगा भाई पॉइजन लगाओ, राइट? नेक्स्ट आ जाओ। बना कैसे है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन? इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे हुई? क्या सबको ये फॉर्मूला पता है? अगर नहीं पता है तो आपने क्लासेस बहुत सारी मिस की हैं। बोलो। मैंने कहा था जो यहां होता है वही e की पावर में होता है, याद आया कुछ? तो यहां लैम्डा ले लिया, क्योंकि हमारा पैरामीटर क्या है यहां पर? लैम्डा। पॉइजन का पैरामीटर लैम्डा है, और लैम्डा किसकी बात करता है? एवरेज की। ओके चन्नीत, ऐसा कुछ करो कि वन आ जाए यहां पर। ऐसा कुछ करते हैं कि यहां वन, टोटेबिलिटी वन होनी चाहिए बेटा। तो क्या ऐसा करने से बात बनेगी मेरे बेटा? वन आ गया ना, देखो अभी मोहित आ गया ना, वन पावर ऐड करो तो ई की पार्ट जीरो वन हो गया ना, देखो। तो इस फंक्शन की इस रेंज में टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है? तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन? इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, फर्क नहीं पड़ रहा। ये क्या है? ई की पार माइनस लैम्डा, लैम्डा की पार एक्स अपॉन, और एक्स की रेंज कहां से स्टार्ट हो रही है? हाँ, ये ऐसे फंक्शन डिराइव हुआ है। आ गया समझ में कि नहीं? और फिर मैंने आपको बताया फंक्शन डिराइव, समझ में आ गया ऑनलाइन वालों? और सम ऑफ पॉइजन इज पॉइजन, पॉइजन अपनी फैमिली चेंज नहीं करता है, वो अपनी फैमिली में ही रहता है। तो मान लो वाई वन वाई आई फॉलो कर रहा है पॉइजन लैम्डा, वेयर आई वेरी फ्रॉम वन टू डैश डैश व्हाट, तो एक्स जो कि बराबर है समेशन वाई आई के, राइट? तो एक्स फॉलो करेगा पॉइजन व्हाट? अरे एन लैम्डा ना, नहीं समझ में आया बताता हूं।
वाई वन का पैरामीटर लैम्डा है, वाई टू का भी क्या है, वाई एन का भी क्या है, तो सबके सम का क्या डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, एन लैम्डा ना, वो लैम्डा कितने पर टाइम्स आ गया, अरे एन टाइम्स नहीं आ गया, अभी आपने 30 कर दिया था ऐड करके, नहीं समझ में आया, फिर भी मैं फिर भी बताऊंगा मैं तो, देखो इधर ये टेबल है, इस पे फोन रखे, फोन नंबर वन, फोन नंबर टू, फोन नंबर थ्री, ठीक है बेटा, फोन नंबर वन रिंग्स ऑन एन एवरेज 2 times पर मिनट, कैसे पता कि पॉइजन की प्रॉब्लम है, पर एवरेज, फोन नंबर टू रिंग्स ऑन एन एवरेज 5 times पर मिनट, अरे ठीक है, फोन नंबर थ्री रिंग्स ऑन एन एवरेज 10 times पर मिनट, तो सभी फोन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, तो बताओ टेबल पे, इस पूरे टेबल पर मिनट रिंग क्या है, अरे पर मिनट बोलो ना, 17 है कि नहीं, तो मतलब x1 प्लस x2 प्लस टेबल की बात हो रही है ना, फॉलोज पॉइजन पर मिनट कितनी रिंग आ रही है, तो सम ऑफ पॉइजन इज, मतलब पॉइजन ही रह गया ना, वो तो पैरामीटर 17 आ गया, तो मैंने लिख दिया ऐसे, तो ऐसे ही यहां पर सबका लैम्डा रखा था तो कितने लैम्डा हो गए, एन लैम्डा, और सबका लैम्डा ना रखता तो अगर मैं बोलता वाई आई फॉलो कर रहे हैं पॉइजन लैम्डा आई वेर आई वेरी फ्रॉम 1 to n, तो मेरे बेटा समेशन वाई आई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, अब बताओ पॉइजन क्या, नहीं समझ में आया, अरे ये सारे लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री ऐड किए ना आपने, क्योंकि अलग अलग थे तो ऐड हो गए, अगर ये सारे सेम होते 2 2 2 तो 3 times 2 कर देते ना, तो ये वो वाला था जिसमें आइडेंटिकल था सबका, ये वो था जिसमें अलग अलग था, दोनों समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, अरे बात देखिए इसमें लैम्डा ही था ना सबका पैरामीटर, उसमें लैम्डा नहीं है, लैम्डा आई है, करेक्ट है ये, तो सम ऑफ पॉइजन इज पॉइजन, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल भी दे सकता है, पता है मैं पहले अलग अलग देता था पहले, चलो कुछ और एग्जाम्पल देंगे अब, सही है, चेन्नई सामने देख के लिख रहा आराम से, ओके, सो दिस इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पहचान मैंने बता दी है, हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा करने में, सब समझ में आएगा सब कुछ, ठीक है, अभी सिर्फ सीख रहे हैं, अभी सिर्फ, नेक्स्ट।
कैसे बनता बनता है ये सब पता होना चाहिए हल्का सा, कि भी ऐसे करके बन जाता है ये, नथिंग टू बी क्रैम्ड अबाउट. बस याद रखना है सम ऑफ पॉइजन पॉइजन होता है, ये एक्सप्रेशन याद रखना जरूरी है. एन लैम्डा होगा कि लैम्डा आई होगा, ठीक है. नेक्स्ट ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. ओ नहीं, लिमिटिंग केस. लिमिटिंग केस, लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल टू पॉइजन. लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल टू, वो कहता है लिमिटिंग केस का मतलब बाइनोमियल अपनी प्रॉब्लम करने में सक्षम नहीं है, तो कहता है पॉइजन भाई साहब आप सॉल्व कर दो इनको. जैसे कैसे, एन अगर बहुत लार्ज हो तो एन लार्ज हो सर, कितना बड़ा हो फिर भी 30 से बड़ा या बराबर हो, और पी बहुत स्मॉल हो, प्रोबेबिलिटी बहुत कैसी हो बेटा, तो व्हाट इज द मीन ऑफ बाइनोमियल, व्हाट इज द मीन ऑफ पॉइजन, तो एन पी को किसके बराबर रख देते हैं, तो जैसे ही लैम्डा आया तो ये प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा आपकी. दोबारा देखो, तो पी क्या आया यहां से बताओ, पी क्या आया, एक बात बताओ, डिनोमिनेटर जितना बड़ा क्या ये उतना ही छोटा होगा कि नहीं होगा बताओ. अरे बोलो भाई. जैसे जैसे इन अ लाइब्रेरी ऑफ 5000 बुक्स, इन अ लाइब्रेरी ऑफ व्हाट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ स्टैटिस्टिक बुक इज, क्या एन बहुत लार्ज है और पी बहुत, तो ये बाइनोमियल खुद से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा, तो उसने कहा भाई साहब पॉइजन वाले आप मदद करो हमारी, तो एन को पी से मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या आएगा, लैम्डा 10 आ गया क्या, बोला मैं सॉल्व कर दूंगा आपकी प्रॉब्लम, पॉइजन से सॉल्व हो जाएगी. इन अ बैग ऑफ 100 बॉल्स, इन अ बैग ऑफ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ डिफेक्टिव बॉल इज 0.02 मान लो, तो क्या एन लार्ज है फिर से और पी उतना ही स्मॉल है, तो एन को पी से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा बताओ, अरे 2 आएगा, तो ये प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा आपकी, सुनना. 50 मिलियन पीपल इन चाइना, ठीक है, 50 मिलियन पीपल बहुत लार्ज है, दे डाई बिकॉज ऑफ अ कोरोना एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ इज 10^-8, ये तो 50 मिलियन बहुत लार्ज हो गया, अरे हुआ कि नहीं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ कोरोना होने की क्या 10^-8, बहुत कम ले दिए ना, तो ये बाइनोमियल की प्रॉब्लम है, एन और पी दिया है लेकिन बाइनोमियल खुद से इस प्रॉब्लम को सॉल्व, तो कौन करेगा उसके लिए, ये पॉइजन. तो आप बस याद रखेगा, एन लार्ज होगा और पी स्मॉल होगा, तो बाइनोमियल की प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा बेटा, पॉइजन. लिख लीजिए ये बात, तो भी हाँ, क्योंकि प्रॉब्लम तो बाइनोमियल की है ना, ये तो बाइनोमियल की प्रॉब्लम खुद से नहीं कर पा रहा बाइनोमियल सॉल्व, तो किससे मदद मांग रहे हैं, पॉइजन से. अगर पी स्मॉल नहीं है तो नहीं होगा, मान लो पी है 0.5 तो नहीं होगा, करो ऊपर वाले में पी को 0.5, पॉइजन भी थक जाएगा उसमें, तो क्यों थक जाएगा, करके बताएंगे ना क्वेश्चन तब समझ में आएगा. ओके, दिस इज अ लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल टू पॉइजन. ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन,
लेट मी टेक एन एग्जाम्पल फॉर यू, मैं एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेके चलता हूँ आपके लिए, आपको मज़ा भी आ जाए और काम भी हो जाए आपका, है ना। चलिए देखिए, आइए पेन रख दीजिए सारे बच्चे, बोर्ड पे देखिए बस। ओके, क्या आपको समझ में आ रहा क्या है ये? ट्रैफिक लाइट लग रही है ना? कितने ट्रैफिक लाइट्स हैं? एन इज इक्वल टू 5 विच इज फिक्स्ड, राइट। कितनी बार यू स्टॉप एट द ट्रैफिक लाइट? स्टॉप, रुकने को सक्सेस मान रहे हैं हम, रुकने को क्या मान रहे हैं? यू स्टॉप एट ट्रैफिक लाइट, इट्स अ सक्सेस। सो हाउ मेनी टाइम्स? X इज अ रैंडम वेरिएबल, यहां पर सक्सेस कितनी है आपकी? 2। या तो आप रेड लाइट पे रुकेंगे या हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स यू हैव? आइदर यू स्टॉप और यू डू नॉट स्टॉप ना। अरे बोलो बताओ, ये किस डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है? बायनोमियल। बायनोमियल में नंबर ऑफ ट्रायल्स कैसी होती हैं? रैंडम वेरिएबल क्या होता है? सक्सेस। 2 आउटकम्स तो पता ही है, रैंडम वेरिएबल क्या होता है? सक्सेस। यहां कितनी बार रुके आप? हो सकता है 3 बार रुकते, हो सकता है 1 बार रुकते, हो सकता है ना रुकते। अरे बताइए भाई, तो दिस इज द प्रॉब्लम बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रीब्यूशन? बायनोमियल में क्या फिक्स्ड होता है? ट्रायल्स। क्या क्या रैंडम वेरिएबल होता है? सक्सेस, है ना। और बायनोमियल में और ज्योमेट्री में एक चीज कॉमन होती है, हर ट्रायल बर्नौली ट्रायल होती है। हर ट्रायल कैसी होती है? या तो आप रुकेंगे या नहीं रुकेंगे। अरे ये तो हेड आएगा या हेड समझ में आई कि नहीं आई, पहली बात बताओ। अब बायनोमियल आपको ढंग से समझ में आ गया तो नाउ यू कैन डिफरेंशिएट कि ज्योमेट्रिक होगा तो क्या फर्क होगा। आ जाओ, ये नहीं बनाना है, लिखना है। अच्छा बना लो, चलो। दिस इज द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा। नहीं, ज्योमेट्रिक के नीचे लिखो पहले, आपको अपने आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपको समझना है तो। नहीं तो कोई बात नहीं, ये फोटो तो याद रहती हैं। नंबर ऑफ रेड लाइट्स आर फिक्स्ड, एंड आपका रुकना इज अ सक्सेस, है ना। एंड 2 पॉसिबल, एवरी रेड लाइट पे, हर रेड लाइट पे 2 पॉसिबल आउटकम है, तो आप रुकोगे या नहीं रुकोगे। ये तो रेड लाइट होगी या नहीं होगी, नहीं ट्रैफिक लाइट बोलते हैं, और रेड लाइट अलग हो गया। डन है जी, सक्सेस लिखो इसमें। क्या है सक्सेस? स्टॉपिंग एट रेड लाइट। सक्सेस लिख लो, स्टॉपिंग एट रेड लाइट, स्टॉपिंग एट रेड लाइट। रेड लाइट पे रुकने को सक्सेस बोला हमने, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब लिखिए ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन।
लिखिए ज्योमेट्रिक, काउंट्स काउंट्स देन काउंट्स COUNTS काउंट्स द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स नीडेड टू गेट द फर्स्ट सक्सेस, नीडेड टू गेट द फर्स्ट सक्सेस. Need to get the first success. Board पे फोटो देखो. ठीक है भाई, कितनी बार रुके हो आप? नीड टू गेट द फर्स्ट सक्सेस बोला ना मैंने. सक्सेस कितनी है इसमें? सक्सेस इज स्टॉपिंग एट रेड लाइट. कितनी सक्सेस है इस फोटो में? एक. ट्रायल्स कितनी है? इन पता नहीं कितनी है. So this is a geometric distribution where number of trials is a random variable. Trials is a, what is fixed here? Success. Kitni hai success yahan par? One. Every trial has two possible outcomes. Either you stop or you don't stop, right? Every trial is a Bernoulli trial. What is the difference between geometric and negative binomial? सॉरी ज्योमेट्रिक एंड बाइनोमियल. सॉरी, क्या फर्क है ज्योमेट्रिक और बाइनोमियल में? ट्रायल्स क्या है? रैंडम वेरिएबल. क्योंकि जब तक अंग्रेजी में पढ़ो क्या लिखा है, काउंट्स द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स नीडेड टू गेट द, जब तक पहली रेड लाइट नहीं मिलेगी तब तक मैं चलता रहूंगा. तो पहली रेड लाइट हो सकता ना ही मिले, जिंदगी भर चलना पड़े उसे, और कभी ना कभी तो मिलेगी. तो सक्सेस कितनी है? सिर्फ एक बार रुकना उसको. और ट्रायल्स कितनी हो सकती हैं? इनफाइनाइट. इट्स अ रैंडम वेरिएबल. पहले घर से निकला तभी रुक गया, हो गया जी खत्म. ऐसे भी तो हो सकता है. अरे बोलो भाई. हाँ, तो यहां पर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्रिक एंड नेगेटिव बाइनोमियल? सब बदल गया ना. जो वहां फिक्स था यहां वो क्या हो गया? रैंडम वेरिएबल. और जहां वो रैंडम वेरिएबल था वहां ये क्या हो गया? यहां पर वो के फिक्स्ड. वहां पर सक्सेस रैंडम वेरिएबल थी ना, यहां सक्सेस क्या हो गई? फिक्स्ड हो गई. वहां ट्रायल्स फिक्स थी, यहां ट्रायल्स क्या हो गई? रैंडम वेरिएबल. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दोबारा सुनिए प्लीज. मोहित घर से निकला, उसने बोला जब तक रेड लाइट नहीं मिलेगी मैं ड्राइव करता रहूंगा. ठीक है, तो पहली रेड लाइट भी नहीं, वो ट्रैफिक लाइट मिली ग्रीन थी, वो भी चला गया. दूसरी भी मिली ग्रीन थी, तो फाइनली ही स्टॉप्स द एट वंस एट द 10th ट्रैफिक लाइट. विच ट्रैफिक लाइट? तो 10वीं बार वो पहली बार रुका ना, तो कितनी बार नहीं रुका? 9 बार. दिस इज ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. कितनी बार रुका? सिर्फ एक बार. काम की बात दोबारा. ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ एक सक्सेस होती है. सिर्फ कितनी सक्सेस होती है? एक. और जब तक वो सक्सेस नहीं मिल जाती तब तक हम ट्राई करते हैं. तो वर्ड आता है अंटिल या फाइनली. अंटिल या सुनो मोहित, डाइस रोल कर रहा है, जब तक 6 नहीं आता मैं रोल करता रहूंगा. अंटिल वर्ड आ गया ना, रोलिंग अ डाइस अंटिल गेटिंग 6. कितने 6 चाहिए इसको? सिर्फ एक. ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. अरे वर्ड समझ में आया? तो ज्योमेट्रिक में वर्ड क्या था? जब तक सक्सेस नहीं मिलती हम ट्राई करते रहेंगे. और वर्ड आ गया क्या? अंटिल या फाइनली जैसा वर्ड आ गया. अरे क्लियर है? जैसे दोबारा देखो, अनदर एग्जांपल ऑन द सेम पेज. मोहित कहता है सर मैं जब तक CS1 दूंगा जब तक पास नहीं हो जाता. तो पहली बार पास तो पी, तो दूसरी बार एग्जाम क्यों दे रहा है वो? क्योंकि पहली बार फेल हुआ, दूसरी बार पास होगा. अरे बोलो भाई. तीसरी बार एग्जाम क्यों दे रहा है? दो बार फेल इनटू पी आया कि नहीं? तो 10th टाइम एग्जाम क्यों दे रहा है? इनटू पी आया कि नहीं? वो एक्स्थ टाइम एग्जाम क्यों दे रहा है? एक्स्थ टाइम फेलियर्स इनटू फाइनली व्हाट? सक्सेस. क्या फॉर्मूला बना दिया मैंने आपके लिए.
बताओ कितनी सक्सेस है इस फॉर्मूले में? एक, बाकी सारे क्या हैं? जब तक सक्सेस नहीं मिलेगी ट्राई करते रहेंगे। जैसे सुनो ध्यान से, मैं भी कह रहा हूं कि मैं तब तक ट्राई करता रहूंगा जब तक बुलजाई लग जाता। सामने बुलजाई मारना है मुझे, मान लो उस बोर्ड पे मारना है, तब तक मारता रहूंगा जब तक लग नहीं जाता। जैसे ही लगेगा रुक जाऊंगा। तो कितनी बार मारना है उस बोर्ड पे? बोर्ड पे तो एक ही बार सक्सेस चाहिए ना। सो माई टेंथ हिट इज माई फर्स्ट बुलजाई। माई टेंथ हिट इज माई विच बुलजाई? विच एग्जाम्पल इज दिस? ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। फाइनली आई हिट अ बुलजाई। फाइनली आई फैमिली में ट्राई करते हैं आजकल। वो पिक्चर भी देखी होगी तुमने, जयेश भाई जोरदार, नहीं देखी अभी तक? अरे देख लिया करो कुछ पिक्चर विक्चर भी। तो जब तक लड़का नहीं होगा ट्राई करते रहेंगे। अरे ऐसा होता है ना, तो कौन से डिस्ट्रीब्यूशन ट्राई कर रहे हैं वो? ज्योमेट्रिक। सो फैमिलीज फिफ्थ चाइल्ड इज द फर्स्ट सन। सो फाइनली देखो सन कितने सन है? एक। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि नहीं हुआ? फैमिली फिफ्थ चाइल्ड इज देयर फर्स्ट सन। अरे आ रहा है समझ में? मोहित फर्स्ट ट्रायल इज द सक्सेस। पहली ट्रायल पे क्या मिल गया इसको? इज द ज्योमेट्रिक। जब तक सक्सेस नहीं मिलेगा ट्राई करेगा। तो पहली बार ट्राई करके रुक गया तो इसका मतलब पहली बार में पास हो गया बेटा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो कितनी सक्सेस है ज्योमेट्रिक में? एक। ट्रायल्स कितनी है? रैंडम वेरिएबल, इनफाइनाइट हो सकती है बेटा। देखो एक्स कहां तक जा रहा है? 1, 2, 3, 3 ऐसे जा रहा है, इनफाइनाइट जा रहा है ना बेटा, है ना? और एवरी ट्रायल हैज टू पॉसिबल आउटकम्स, सक्सेस एंड फेलियर। तो एवरी ट्रायल इज अ बर्नौली ट्रायल, ये बोल सकते हैं ना? और उसका पिछले ट्रायल से कोई लेने देना नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं है? उतार लो। जो अंग्रेजी लिखी थी ना, उस अंग्रेजी के नहीं लिखी, तो नीचे लिख लो उस अंग्रेजी के नीचे। सक्सेस फिक्स्ड है एट वन, सक्सेस इज फिक्स्ड एट वन, एंड ट्रायल्स इज द रैंडम वेरिएबल। सांप सीढ़ी खेली है? जब तक घर नहीं खुलता डाइस रोल करते रहते हैं। तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है बेटा बात? जैसे पॉलिटिक्स में क्या होता है, र्यूमर फैलाते हैं। तो तब तक र्यूमर फैलता रहता है जब तक कोई यकीन नहीं करता। र्यूमर तो इसीलिए फैलाया जाता है कोई यकीन कर ले। तो चन्नीत इज द 10th पर्सन हु हियर द र्यूमर एंड फर्स्ट टू बिलीव इट। विच डिस्ट्रीब्यूशन? चन्नीत 10वां स्टूडेंट है जिसने र्यूमर पे सुना और पहला था जिसने उस पर विश्वास किया। जब तक र्यूमर फैलता रहा जब तक किसी ने विश्वास नहीं किया। तो चन्नीत ने विश्वास कर लिया। हाँ, अनटिल ऐसे। अच्छा, लाइफ में लाइसेंस कितनी बार बनवाते हो आप? तो रोड टेस्ट देते हो आप कितनी बार देते हो? जब तक लाइसेंस नहीं बन जाता तब तक रोड टेस्ट देते हो। अनटिल गेटिंग, तो कौन से डिस्ट्रीब्यूशन से बनता है लाइसेंस? एक फिल्मों में देखा होगा, रीटेक पे रीटेक होते रहते हैं। वो रीटेक कब होना बंद हो जाते हैं? जब एक्ट्रेस अपनी लाइन सही से बोल देता है। अरे बोलो ना, अगर वो अपनी लाइन सही से बोल देगा तो रिटेक होना बंद हो जाएगा ना भाई। तो कौन से डिस्ट्रीब्यूशन से कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कब सही बोलेगा? ज्योमेट्रिक है कि नहीं? आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट में जाते हैं तो क्या करते हैं? रेस्टोरेंट जाकर के ऑर्डर करते हैं, है कि नहीं? तो वहां पर इंतजार कर रहे हैं, जब तक ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक आप क्या कर रहे हैं? अब ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का एक नाम और रखा गया है, वेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन। क्या डिस्ट्रीब्यूशन?
आपको मोहित कॉइन टॉस कर रहा है जब तक हेड नहीं आएगा, तो इंतजार कर रहा है कि हेड कब आएगा। खर्च क्या हो रहा है? ट्रायल्स। खर्च क्या हो रहा है? ट्रायल्स हमेशा डिस्क्रीट होती हैं, लेकिन अगर टाइम खर्च करोगे तो वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। टाइम खर्च करोगे तो क्या हो जाएगा? आ जाओ बोर्ड पे दोबारा से। टाइम कॉन्टिन्यूस होता है ना बेटा, किसी भी वक्त तेरा ऑर्डर आ सकता है। एक्स फॉलोज ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर पी, दिस इज द फंक्शन, स्मॉल एफ ऑफ एक्स लिख दो या पी ऑफ एक्स लिख दो, पीएमएफ। ये पीएमएफ है बेटा, क्यू टू द पावर एक्स माइनस वन इंटू पी, वेयर एक्स इज इक्वल टू वन टू थ्री डैश डैश डैश। What is the mean of the distribution is 1 by p and variance of the distribution is q by p square and moment generating function of the distribution is p e to the power t 1 minus q e to the power t. ज्योमेट्रिक का नाम क्या भी रखा गया है बेटा? वेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि मोहित इंतजार कर रहा था कि कब रेड लाइट आएगी, अरे है ना, तो इंतजार कर रहा है कि तू कब पास होगा। तो इसमें टाइम वेरी कर रहा है कि अटेम्प्ट्स वेरी कर रहे हैं? अटेम्प्ट्स। कैसे दोनों? अरे भाई वो तो एक साल बाद ही पेपर आएगा, वो इंतजार कौन सा इंतजार है पता? मैं इंतजार कर रहा हूँ तेरी कॉल का, कर रहा हूँ ना इंतजार, कभी भी आ सकती है ना, ऐसे तो नहीं हर घंटे में तेरी कॉल आती है। अरे बोल भाई, मैं हेड का इंतजार कर रहा हूँ कब आएगा, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? मुझे टॉस करना, अपने आप थोड़ी आ जाएगा। तो ट्रायल खर्च होगी ना। अरे सिंपल है यार, मैं इंतजार कर रहा हूँ कब लाइसेंस मिलेगा। अरे घर में बैठे रहे तो इंतजार करता रहे, जब तू फॉर्म ही नहीं भरेगा, ट्रायल ही नहीं देगा, तो इंतजार ही वो इंतजार नहीं बेटा। इंतजार मतलब तुम लाइसेंस कब मिलेगा, कब तेरा रोड टेस्ट पास होगा। हाँ ट्रायल। डिराइव कर ले, डिराइव। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालना नहीं आता, एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स नहीं आया इसमें, एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स यार। एमजीएफ ले ले, एमजीएफ पता है, एमजीएफ डिराइव कर ले, उसको डिफरेंशिएट करके मीन निकाल ले। आता है मीन निकालना ना, तो ये मीन वेरिएंस के डेरिवेशन ही खुद करके देखने आपको, मैं सब करा चुका है। ये आप अपने पीछे पन्ने पलटोगे ना एमजीएफ वाले, तो सब मिलेगा आपको। ये एमजीएफ भी निकलवा चुका हूँ सबका मैं, ये सब MGF और इन MGF से मीन वेरिएंस भी डिराइव करवा चुका हूं मैं आपसे। तो इसको कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं भाई? हाँ आ जाओ नेक्स्ट। तो मोहित रेड लाइट पे रुकने का इंतजार कर रहा था, राइट। अभी मैं आपको बेसिक वाला बता रहा हूँ, एडवांस लेवल नहीं बता रहा अभी मैं, इसका बेसिक लेवल चल रहा है अभी। इसमें ज्योमेट्रिक में ना रुकने को भी तो सक्सेस, फेलियर को भी तो काउंट कर सकता है बंदा, कि भाई मैं कितने फेलियर आए बिफोर द फर्स्ट सक्सेस, ये भी तो बोल सकता है ना। जबकि हमने क्या देखा, जब तक मैं नहीं रुक जाता तब तक मैं चलता रहूंगा, तो मैंने सक्सेस का इंतजार किया, मैंने यहाँ पर फेलियर्स काउंट नहीं किए। क्या काउंट किए मैंने यहाँ पर? सक्सेस। तो मैं एक तरफ से लेके चल रहा हूँ आपको, और यही याद रखिएगा। अब आ जाइए अगला डिस्ट्रीब्यूशन, समझ में आया कि नहीं आया पहले बताइए आप। फॉर्मूला भी बना के दिखा दिया आपके सामने। नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव बाइनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट है, मुश्किल है, समझना पड़ेगा, मेरी बहुत जान लगेगी इसको समझाने में आपको। आ जाओ बोर्ड पे। अब मोहित मुझे कह रहा है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में कितनी बार उसको रुकना था?
जब तक नहीं रुकता चलता रहेगा वो। ट्रायल्स इनफाइनाइट थी कि नहीं थी बताओ वहां पर। अरे बोलो भाई, पहले मैं माहौल बना दूं। ज्योमेट्रिक में और नेगेटिव बायनोमियल में एक चीज कॉमन है, फाइनली सक्सेस। ज्योमेट्रिक में लेकिन सिर्फ एक ही सक्सेस है और नेगेटिव बायनोमियल में एक से ज्यादा है, इतना फर्क है बस। जैसे उदाहरण, फैमिलीज फिफ्थ चाइल्ड इज देयर फर्स्ट सन, सो फाइनली दे बड़ा सन विच डिस्ट्रीब्यूशन? ज्योमेट्रिक। फैमिलीज फिफ्थ चाइल्ड इज देयर थर्ड सन, बताओ अभी भी फिफ्थ चाइल्ड सन है कि नहीं? और सन के एक से ज्यादा है तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन? नेगेटिव बायनोमियल। फाइनली भी सन है और सन एक से ज्यादा है। अरे समझ में आया? माई टेंथ हिट इज माई फर्स्ट बुलजाई, माई टेंथ हिट इज माई फर्स्ट बुलजाई, विच डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस? जब तक बुलजाई नहीं लगा मारता रहा। माई टेंथ हिट इज माई फिफ्थ बुलजाई, दसवां हिट पे पांचवी बुलजाई लगी कि नहीं लगी? तो बुलजाई तो लगी दसवीं हिट पे, फाइनली सक्सेस है, पर सक्सेस एक से, तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया? तो ज्योमेट्रिक और नेगेटिव बायनोमियल में कॉमन चीज क्या है कि फाइनली सक्सेस है ना दोनों में? दोनों में क्या है? फाइनली सक्सेस है, पर ज्योमेट्रिक में सिर्फ एक सक्सेस है और नेगेटिव बायनोमियल में एक से ज्यादा है। जैसे देखिए बोर्ड पे फोटो में, फोटो में देखिएगा सब कुछ, आपको मजा आ जाएगा आपको फोटो में देखते ही। ये ना फोटो ना फील करवाती है, और ये फोटो ऐसे नहीं बेटा, कम से कम ये तो एक एग्जांपल है, मैं दो तीन चार और भी दे सकता हूँ। आज ये वाला चल रहा है, फिर अगली क्लास में कुछ और देंगे। बहुत सारे हेडलाइट बना दो पहले मैं, फिर देखना हमें डिसाइड करना है रुकना कि नहीं रुकना उस पर। ट्रैफिक लाइट मतलब कितनी होगी? 8 होगी, 7 होगी, 9 होगी, कितनी होगी? चलो जितनी भी हो गई, पहले रुकना डिसाइड कर लेते हैं, है ना? यहाँ रुक गए भाई, ठीक यहाँ रुक गए, यहाँ रुक गए, यहाँ रुक गए, इन पे तो हम रुक गए भाई। और ये ग्रीन था, ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, करेक्ट है जी, है ना? ऐसे ट्रैफिक लाइट है ये। अब आपको कुछ समझाता हूँ, इस बोर्ड का एक ही एडवांटेज है, कलर्स बहुत है इसमें। पहला, क्या ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है? अरे है कि नहीं? सेकंड ट्रायल में सक्सेस मिल गया कि नहीं मिल गया? करेक्ट है। क्या ये भी ज्योमेट्रिक है? पहली बार में रुक गया, ये भी ज्योमेट्रिक है ना? और ये भी ज्योमेट्रिक है क्या? अरे समझ में आया? ये सब ज्योमेट्रिक, सब में कितनी बार रुक रहे हो आप सिर्फ? और अंटिल या फाइनली? अब ये पूरा जो व्हाइट वाला है, ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? कैसे पता? क्या फाइनली रुक रहे हो कि नहीं रुक रहे हो पहले तो बताओ? फाइनली रुक रहे हो, और कितनी बार रुक रहे हो? एक से? अरे बोलो भाई। तो सम ऑफ ज्योमेट्रिक इज, ये भी प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? देखो भाई, मैं आई एम स्टॉपिंग फाइनली, बट विच टाइम? फोर्थ टाइम। अरे है ना, मैं फाइनली भी रुक रहा हूं, और कौन सी बार रुक रहा हूं फाइनली? तो सक्सेस फाइनली है, पर एक से। क्या मैंने ये बोला कि दिस एक्स आईज फॉलोज ज्योमेट्रिक विद पैरामीटर पी विद आई 1, 2, 3 एंड 4? यस। देन समेशन एक्स आई फॉलोज विच डिस्ट्रीब्यूशन बेटा? नेगेटिव बायनोमियल। कितनी बार रुके तुम? 4 बार ना, 4, P आ गया। तो सम ऑफ ज्योमेट्रिक इज नेगेटिव बायनोमियल।
अभी तो एक फोटो है और बनेगी बहुत सारी, बता रहे हो पहले ये भी अभी बताते हैं, अभी पहले इसी पे आएंगे। चलो देखो, ये ऑफलाइन क्लास का ये फायदा है, बच्चा तुरंत मन में आता पूछ लेता है और हमें भी आया था कि बताना है चलो ये बात। ये नेगेटिव क्यों कहते हैं अभी बताते हैं बेटा। हो गया, देखो नेक्स्ट। अब जो नेगेटिव बाइनोमियल भी बताते हैं, पता है टीचर का काम ही है माहौल रंगीन करना है ना, माहौल रंगीन हो रहा है कि नहीं हो रहा। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? जैसे मर्जी देखो, मुझे क्या पता। ओ हीरो, इतना पढ़ाया नालायक को, ऑनलाइन वाला तुम बोल दो। पहला वाला तो जियोमेट्रिक होगा। यस, पहला ज्योमेट्रिक होगा क्योंकि सब में स्टॉपिंग एट ए रेड लाइट इज फाइनली सक्सेस होता ना। क्या एक ही सक्सेस है सब में? तो ज्योमेट्रिक दिख रहा है, चिक चिक के कह रहा है मैं ज्योमेट्रिक हूँ। अच्छा जी,
सेकंड वाला नेगेटिव बाइनोमियल में तो फाइनली सक्सेस होता ना, लास्ट वाला नेगेटिव बाइनोमियल, यस बेटा बिल्कुल होगा नेगेटिव बाइनोमियल, क्यों? क्योंकि फाइनली सक्सेस है ना, और सक्सेस एक से ज्यादा है कि नहीं? ये भाई साहब बाइनोमियल है, क्योंकि जरूरी नहीं ना फाइनली सक्सेस हो। अच्छा सुनो, चलो नंबर ऑफ ट्रायल्स 5 है कि 3 बार रुकना है, 5C3 बाइनोमियल में लग जाएगा। अरे बोलो क्या लगेगा, बाइनोमियल में लगे ना 5C3, क्या लगा 5C पी टू द पावर क्यू टू द पावर 2, क्या है बाइनोमियल में लगा? अरे बोलो, इसमें लास्ट वाले को छोड़ दो, क्या ये बाइनोमियल लगेगा इसमें? 4C2 पी टू द पावर 2 इंटू क्यू टू द पावर इंटू पी भी तो है ना, क्योंकि फाइनली तो सक्सेस फिक्स्ड है, क्योंकि फाइनली सक्सेस तो क्या है? तो देखो क्या मैंने एक ट्रायल और एक सक्सेस कम कर दी ना यहां पर, और उस पर क्या लगा दिया, इस पर बाइनोमियल इंटू क्या कर दिया, तो नेगेटिव बाइनोमियल वर्ड यहां से बनता है, बनाएंगे अभी, रुक जाओ। पहले फोटो समझ में आएगी नहीं आई, पहले बताओ फोटो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि नहीं है, कि भाई फाइनली सक्सेस सब केस में फाइनली सक्सेस है। सक्सेस कभी भी आ सकती है, कभी भी आ रही है कि नहीं, देखो लास्ट में भी आ सकती है, पहले भी आ सकती है, फाइनली सक्सेस होना चाहिए और सक्सेस एक से। अरे मेरी सारी बातें फॉलो हो रही हैं, आ जाओ नेक्स्ट, रुक जाओ फोटो वोटो बना लेना अपने आप। चन्नीत ये ग्लास है, विस्की के नहीं है, चाय के, ज्यादा लंबे बन गए ना, हैं? कितना शर्माता है ना हम इंडियन स्टूडेंट्स ये सब बातें करने में, कभी डिस्कस करने में, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम खुल के बात नहीं कर पाते, क्यों भाई? और जबकि सबको पता है और इतना ज्ञान है भरपूर, ब्रांड्स की लाइन लगा देगा अभी एक मिनट में। कितने ग्लास हैं ये? 3, ग्लास 1, ग्लास 2, ग्लास 3। पापा का फेवरेट ब्रांड कौन सा है? अच्छा फिर ठीक है, ऐसा हो सकता है वैसे? अरे मजाक कर रहा हूँ यार, कॉलेज के बच्चों से डील कर रहा हूँ, स्कूल के बच्चों से नहीं कर रहा, यही तो मजा है कॉलेज के बच्चों के साथ, यू कैन डिस्कस देयर हार्ट आउट। कितने 10 बॉल है क्या? अरे टेनिस की बॉल है ये। ठीक है, इन 10 बॉलों से तेरे को ये 3 कप तोड़ने हैं, ग्लास 3 तोड़ने हैं, तो पहले तोड़ने हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से, तो पहले किससे तोड़ने हैं? बॉल्स कितनी है? 10। ग्लास कितने हैं? तो इन हाउ मेनी वेज चन्नीत कैन ब्रेक 3 ग्लासेस, 10C3 पी टू द पावर क्यू टू द पावर, टूट गए बाइनोमियल से, समझ में आया? अब मैं मोहित बोल रहा हूं, मोहित तेरे को तोड़ने हैं नेगेटिव बाइनोमियल से, तो नेगेटिव बाइनोमियल से तोड़ने हैं, तो मोहित ने क्या किया, मोहित ने क्या किया कि यहां से एक बॉल उठाई और जेब में डाल ली, और जो एक ग्लास है तीसरे वाला इस पे लगा दी ग्लास प्लास्टिक की शीट, क्यों? क्योंकि मोहित को पता था अगर नेगेटिव बाइनोमियल से तोड़ूंगा तो फाइनली सक्सेस चाहिए, तो 10वीं बॉल तो जेब में डाल ली और तीसरे ग्लास पे क्या लगा दी, प्लास्टिक की शीट। अब बताओ मोहित के पास कितनी बॉल्स हैं और कितने ग्लास टूटेंगे उसके? 9C, लेकिन तोड़ने 3 थे तो 9C2, मतलब एक ट्रायल कम कर दी, एक सक्सेस कम कर दी, और उस पर क्या लगा दिया, बाइनोमियल। अरे बाइनोमियल लगाया ना क्यू टू द पावर। अब उसने क्या किया भाई, स्मार्टली वो बॉल जेब से निकाली, ठीक है,
और ये शीट हटाई यहां से, ये शीट क्या कर दी यहां से हटा दी, हटाने के बाद इसको तोड़ दिया इनटू क्या, क्या फाइनली सक्सेस मिल गई? क्या हमने एक ट्रायल और एक सक्सेस को कम करके क्या लगाया इस पे, इनटू पी किया कि नहीं? नाम पड़ा नेगेटिव बायनोमियल, क्योंकि बायनोमियल ही लगाया है, बस क्या कम करके, एक सक्सेस और एक ट्रायल कम करके, क्योंकि फाइनली क्या चाहिए थी अपने को, सक्सेस चाहिए थी। अरे गर्ल समझ आ रही है, उतार लीजिए। तो ये ऐसी ही बनती हैं चीजें। अब इसके बाद क्या है मेरा, 3 बजे है ना, हो गया बेटा, गुड। अब देखो बनाते हैं, देखो क्या ये विजुलाइज कर पा रहे हो ना आप सारी बात को मेरी, नेगेटिव बायनोमियल और बायनोमियल फर्क समझ में आ गया बेटा। अब देखो बोर्ड पे मेरे पास एक्स ट्रायल्स हैं, ट्रायल्स कितने हैं बेटा मेरे पास, एक्स, और के सक्सेस चाहिए मुझे, ठीक है बेटा। तो मैंने क्या किया फॉर्मूला बनाने के लिए, एक सक्सेस कम कर दिया और एक ट्रायल, एक सक्सेस कम कर दे और एक, और उस पर क्या लगा दूं, तो x माइनस वन सी पी टू द पावर x माइनस वन माइनस इनटू क्या कर दूं, क्योंकि x ट्रायल पे भी तो मुझे कौन सी सक्सेस चाहिएगी, kth सक्सेस चाहिएगी ना बेटा, जिसको कम किया था मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। सो देयरफॉर स्टूडेंट्स This is your PMF. It is x minus 1 c k minus 1 p to the power k q to the power x minus k, where x starts from k, k plus 1, k plus 2 and so on. What is the mean of distribution? Geometric ka mean kya tha? 1 by p. Usko k times repeat kiya to k by p. Variance kya tha? 1 q by p square na? To k q by p square. MGF क्या था, P e to the power t 1 minus q whole to the power k। अरे आ रहा है समझ में, फॉर्मूला बनाना सिखाया, सिचुएशन समझाई आपको सारे के सारी। सो हेयर वी गॉट द नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट्स। नहीं रुको वर्षा, मुझे अगर कल कोई शेड्यूल खाली है
कितने बजे से कितने बजे? हाँ एक बार देख के बताओ। क्योंकि एक्स ट्रायल पे क्या सक्सेस चाहिए ना बेटा, फाइनली सक्सेस चाहिए ही चाहिए अपने को। तो बाइनोमियल में तो फर्क नहीं पड़ता फाइनली सक्सेस आए नहीं है, ज्योमेट्रिक नहीं बन पाता क्योंकि तीन ग्लास तोड़ने हैं, एक तोड़ना होता तो ज्योमेट्रिक बन जाता, सक्सेस एक ही। कल बिल्कुल खाली नहीं है, क्या है वैसे शेड्यूल कल का? पूरा फुल पैकेज 6 बजे तक? अच्छा बायजूस का फिर यूट्यूब है, यूट्यूब तो 1 घंटे का हुआ ना, कितने बजे है? 6 से 7। अच्छा यूट्यूब 7 बजे फिर पूछ रहा था, इनकी थोड़ी एक्स्ट्रा क्लास रखी ट्यूसडे से लें, ट्यूसडे से हो सकती हैं क्लासेस। हाँ बेटा फिर ठीक है, कल तो हो नहीं पाएगा। मत भाग, तेरे जैसे मैं बस इतना हो गया, बट डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रिट ख़त्म हो गए और ट्यूसडे क्लास होगी होगी, ठीक है? प्लीज़ प्रिपेयर रहना, आ जाना ट्यूसडे। हाँ नहीं मेरी आवाज़ कम आ रही है बेटा, आ रही ठीक? मैं कह रहा हूँ बेटा ट्यूसडे, अब वीकडे में भी क्लास होंगी, हफ्ते में 4 क्लास होगी, थोड़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा मैं और क्लास की ड्यूरेशन भी बढ़ाऊंगा। तो प्लीज़ जो मैंने कराया है क्वेश्चन नंबर 14 से क्वेश्चन 30 असाइनमेंट का, चैप्टर 1 का असाइनमेंट क्वेश्चन 14 से 30, आप लोग घर पे ये सिर्फ आइडेंटिफाई कर लीजिएगा कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, करने नहीं है क्वेश्चन, क्वेश्चन करने मैं सिखाऊंगा। हाँ मुझे इस नेक्स्ट वीक के अंदर ये चैप्टर 1 खत्म करना है तुम्हारा। अरे ठीक है, नेक्स्ट वीक के अंदर चैप्टर 1 पूरा खत्म करना है। हो सकता है 4 दिन क्लास हो, 5 दिन, 4 कुछ भी हो सकता है, पूरे हफ्ते भी हो सकती है, ट्यूसडे से क्लासेस हैं। ठीक है मंडे आएगा, मंडे पूरे वीक के 15 दिन का शेड्यूल आ जाएगा आपके पास, ठीक है? कुछ टॉपिक खुद घर पे भी करने होंगे वो भेजूंगा, वो भी मैं मंडे ही भेजूंगा सब, ठीक है? लीनियर एलजेब्रा के ना, यार मैं ढूंढना भूल जाता हूँ यार, हमेशा बच्चे मेरे पीछे पड़ रहते हैं, मैं भूल जाता हूँ। भेजता हूँ बेटा पक्का, ठीक है? भेजता हूँ बेटा, भेजता हूँ, ठीक है? ओके हेलो, टेस्ट है ना, मैं तो नॉर्मल टेस्ट होगा उसको, नहीं था कितने बजे? मेरा मेरा लाख मेरा टेस्ट है ना, मैंने मेरा 2:30 बजे। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से निकल जाना 2:30 बजे, नहीं लगेगा यहाँ से 10 बजे क्लास रखते हैं, चलेगा ना? कितने बजे खत्म होगा? तो सुबह तो क्लासेस है, कोई नहीं उस क्लास का वीडियो देखेंगे, अगर ऐसे कुछ होगा देखेंगे, मैनेज करेंगे, मैं टेंडर भेजूंगा फिर देखिए पहले, ठीक है? सवा घंटे का टेस्ट है, 3:30 भी होगा तब भी मैं घर पहुँच के आ जाऊँगा। ठीक है, ओके बेटा, बाय।